हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कलर्स चैनल वाले अपने विवादित शो बिग बॉस का 14वां सीजन जल्द से जल्द ऑन एयर करना चाहते हैं, और जिस कारण इस रियलिटी शो के मेकर्स कंटेस्टेंट्स की लिस्ट तैयार करने में लग गए हैं। कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें सामने आई थी कि बिग बॉस 14 के मेकर्स ने नागिन 3 फेम सुरभि ज्योति से बात की है, जो एकता कपूर के शो में बेला का किरदार निभा चुकी है। वहीं सुरभि ज्योति के बाद बिग बॉस 14 के साथ एक और टीवी हसीना का नाम जुड़ गया है। जी हाँ, एक लीडिंग वेबसाइट रिपोर्ट की माने तो बिग बॉस 14 के मेकर्स ने मशहूर टीवी शो भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी का किरदार निभाने वाली अदाकारा शुभांगी अत्रे से शो को लेकर चर्चा की है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शुभांगी अत्रे ने इस शो का हिस्सा बनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाया है, क्योंकि वो एक बड़े शो में अहम किरदार निभा रही हैं। जिन्हें शुभांगी अत्रे के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, उन्हें हम आपको बता दें कि उन्होंने भाभी जी घर पर है में शिल्पा शिंदे की जगह ली है। शिल्पा शिंदे ने एक विवाद के बाद शो से बाहर जाने का फैसला ले लिया था, जिसके बाद शुभांगी अत्रे ने उनकी खाली जगह को भरा था। तो शुभांगी अत्रे की शानदार अदाकारी के सामने दर्शक शिल्पा शिंदे को जल्द ही भूल गए, और मेकर्स ये कहने पर मजबूर हो गए कि शुभांगी ने शिल्पा की कमी को पूरा कर लिया है। तो शुभांगी अत्रे के शो भाभी जी घर पर है को छोटे शहरों में काफ़ी पसंद किया जाता है, जिस कारण बिग बॉस 14 के मेकर्स उन्हें साइन करना चाहते हैं। अगर वो भाईजान के शो का हिस्सा बनती हैं तो वो शो में काफ़ी मसाला दे सकती हैं। खैर, फिलहाल उन्हें लेकर ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो इस शो का हिस्सा बनेंगी या नहीं। वैसे शुभांगी अत्रे के अलावा भी अलीशा पनवार, शिवन नारिंग जैसे स्टार्स के नाम भी सीजन 14 के लिए सामने आ रहे हैं। वेल, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या मेकर्स शुभांगी अत्रे को बिग बॉस 14 के लिए मना पाएंगे या नहीं। वैसे आप बिग बॉस 14 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।